अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल हैं? अल्लाह का शुक्र है, मैं भी ठीक ठाक हूँ। आप सुनाएं, आप लोगों के रोज़े कैसे जा रहे हैं? तो हमारी तो वही सादी सी रूटीन चल रही है, वन डिश पर हम लोग पक्के कारबंद हैं। तो ये चने थे, दो तरह के पड़े हुए थे, वही मैंने गर्म कर लिए फ्रिज में, पहले से पड़े हुए थे। मैंने ये रेसिपी शेयर करनी है आपसे, लेकिन टाइम मिल जाए थोड़ा सा तो साथ ही मैंने पराठे देसी घी के बनाए, चाय थी। तो मोइज़ को चने पसंद नहीं थे, इसलिए मैंने कबाब तल लिए उसके लिए, कि चलो सैरी तो आराम से कर लेगा ना। तो हमारा तो कुछ होता ही नहीं है, सैरी तक जागे रहते हैं, बस सैरी जल्दी कर लेते हैं, उसके बाद थोड़ी सी बर्तन वगैरह समेट के फिर नमाज पढ़ लेती हूँ। क्योंकि सुबह अगर जाग के मैं ये सब कुछ करूँ तो फिर बहुत टाइम लग जाता है। तो अब मैं इफ्तारी की तैयारी की स्टार्ट कर रही हूँ। ये मैंने टमाटर प्याज लिए हैं, आज मैं दो प्याज़ा बनाऊँगी कीमा, लेकिन बीच में मेरा फिर इरादा बदल गया, फिर मैंने उसमें मटर भी डाल लिए थे। लेकिन मोइज़ बहुत नाराज़ हो रहा था कि मम्मा आपने मटर क्यों डाले, बस आज पता नहीं क्यों मेरा दिल कर रहा था मैंने मटर डाल लिए, वरना वो नहीं करता है तो मैं वो चीज़ नहीं डालती। तो ये लहसुन का पेस्ट डाल के मैं घी में पहले मैंने अच्छे तरीके से फ्राई किया कीमे को। आजकल रमज़ान में कोशिश ये होती है थोड़ी सी चीज़ बनाएं ताकि ख़त्म हो जाए, कोई फिर इतना ज़्यादा खाना तो होता नहीं है। ये मैं बुनाई कर रही हूँ कि मैं की, और फिर मैंने ये थोड़ा सा ना मसाला पड़ा हुआ था मैंने कहा खुला हुआ है तो चलो आज मैं इसको यूज़ कर लूँ, तिक्का मसाला था तो वही मैंने कीमे में आज डिफरेंट जायका करने के लिए मैंने डाल दिया। तो मैंने कहा ये पैकेट खुला हुआ हुआ है यूज़ कर लेती हूँ, और चलो थोड़ा जायका भी चेंज हो जाएगा। देखिए कितना प्यारा रंग आ गया, फ्राई हो गया। फिर मैंने इसमें टमाटर डाल दिए, और अब मैं टमाटर डाल के इसकी भुनाई कर रही हूँ। अभी अफ्तारी में तो किसी ने इतना सालन खाता ही नहीं है, मैंने कहा चलो अभी बना लेती हूँ ताकि सहरी में भी काम आ जाएगा और अफ्तारी में भी। और ये थोड़ी सी वो बेसन की बूंदियाँ थी तो मैंने उनके भी साथ साथ प्रिपेयर कर रही हूँ। मैंने प्याज और टमाटर काट लिया थोड़ा सा उसके अंदर, और ये खजूरें और बादाम मैं भिगो के रख रही हूँ क्योंकि मिल्क शेक बनाऊँगी तो फिर उसमें यूज़ कर लूँगी। पहले से भीगा हो ना तो बड़ा अच्छा ये पेस्ट बन जाता है। तो अब मैं कोई चीज़ दूसरा और कोई ड्रिंक नहीं बनाती, सिर्फ मिल्क शेक ही बनाती हूँ, और वही एक एक गिलास पी लेते हैं। आप लोग भी बताइएगा आपकी रूटीन कैसी जा रही है, और रमज़ान के व्लॉग्स आपको मेरे कैसे लग रहे हैं। अगर आपको पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, और जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे साथ कनेक्ट हो जाएं और मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। अब मैंने मटर डाल के फ्राई किए थे तो अब लास्ट में मैंने इसमें प्याज ऐड किया है। देखिए फ्राई करके मैंने अच्छे तरीके से इसको दम पे रख दिया था, कीमा मटर थोड़ी सी शिमला मिर्च भी डाली हुई है, रेडी है। और अब ये मैं दही फुल्कियों में धनिया हरी मिर्चें वगैरह डाली हैं और साथ दही मिक्स करूँगी थोड़ी देर में। गैस थोड़ी कम हो रही थी इसलिए मैंने ऑयल रख दिया, कि मैंने कहा फिंगर चिप्स बनाने हैं, थोड़ा सा वो मसाला बनाया हुआ था तो मैंने कहा चलो ये साथ साथ मैं फ्राई कर रही हूँ फिंगर चिप्स। हल्की सी मैं बेसन की कोटिंग कर लेती हूँ मसाला डाल के, तो ज़रा अच्छा क्रिस्पी से मज़े के बन जाते हैं।
और चटनी और रोटी के साथ भी अगर कोई खाना चाहे तो खा सकता है। जब दिल होता है तो मैं तो सिर्फ फिंगर चिप्स और चटनी रोटी के ऊपर रखी और जो एक रोटी खानी हो आधी खानी हो खा लेती हूँ। मैं फ्राई कर रही हूँ फिंगर चिप्स, आज थोड़ी सी मैं लेट हो रही थी इसलिए मैंने। अब मैं ये आलू के रोल जो मैंने उस दिन आपके सामने ही बनाए थे तो दो चार वो मैं फ्राई कर लेती हूँ, अज़ा खा लेती है और मोइस भी ले लेता है। यह कि अज़ा इस बहाने से कुछ खा लेती है हमारे साथ बैठ के। तो ये अफ्तारी की तैयारी में, रोज़ा खुलने वाला था तो दुआ मांग रहे हैं सब, देख लें। मेरे टेबल पे कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि मैं कहूँ कि बहुत ज़्यादा एहतमाम, बस सिंपल तरीके से ही करती हूँ कि हेल्थ भी ठीक रहती है फिर और हेल्दी भी रह जाता है बंदे का।